मुंबई के पास अंबरनाथ में अंधविश्वास की ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस भी हैरान है कि आज 21वीं सदी में समाज अंधविश्वास के जाल में किस कदर जकड़ा हुआ है। 10 दिन पहले कैंसर की बीमारी के चलते एक युवक की मौत के बाद कथित युवक का धर्मगुरु पिता अपने बेटे को फिर से जिंदा होने की उम्मीद में उसकी लाश को लिए एक चर्च से दूसरे चर्च भटकता रहा। 10 दिन तक बच्चे के शव को सामने रखकर चर्च में प्रार्थना की जाती रही इस उम्मीद पर कि मृतक युवक जिंदा हो जाएगा। आखिरकार इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी। दरअसल मुंबई के चिंचपोकली इलाके में रहने वाले पेशे से बिशप धर्मगुरु ऑक्टेविया जोसेफ का बेटा मिशक कुछ साल से कैंसर पीड़ित था। काफी उपचार के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। आखिरकार मिशक ने दम तोड़ दिया। लेकिन मिशक के पिता ऑक्टेविया ने धर्मगुरु होने के नाते जो कुछ भी किया वो काफी चौंका देने वाला था। मिशक की मौत के बाद उसकी अंत्येष्टि की जानी चाहिए थी, लेकिन बेटे की चाह में पड़े अंधविश्वास से भरे इस धर्मगुरु पिता ने बेटे पर ही प्रयोग शुरू कर दिया। बेटा फिर जिंदा हो सकता है, इस उम्मीद पर अपने बेटे के शव को मुंबई के नागपाड़ा इलाके के चर्च में रख दिया, जहां 8 दिन तक ऑक्टेविया अपने कुछ भक्तों के साथ ये प्रार्थना करता रहा कि उसका बेटा जिंदा हो जाए। बेटा तो जिंदा नहीं हुआ, अलबत्ता पुलिस जाग गई। तुरंत पुलिस उस चर्च में पहुंची। ऑक्टेविया को तुरंत बच्चे की अंत्येष्टि करने के निर्देश दिए गए। पुलिस को अंत्येष्टि जल्द किए जाने की बात कही, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अपने बच्चे के शव को लेकर वो फिर मुंबई से 50 किलोमीटर दूर अंबरनाथ के जीसस फॉर ऑल नेशन इस संस्था के हॉल में ले गया, जहां छोटा सा चर्च भी है। यहां पर मिशक की बॉडी फिर रखी गई और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। पुलिस स्टेशन से 10 कदम दूरी पर हो रही इस घटना की जानकारी अंबरनाथ पुलिस को जब मिली, तब रात के अंधेरे में हो रही प्रार्थना के दौरान पुलिस ने धावा बोल दिया। जिस समय पुलिस हॉल में पहुंची, उस समय शव के सामने ऑक्टेविया और उसके 250 से 300 भक्त प्रार्थना कर रहे थे। यहां पर पुलिस ने अनुरोध किया कि बच्चे की अंत्येष्टि तुरंत की जाए। ऑक्टेविया अपने बेटे के शव को लेकर नागपाड़ा चला गया। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। अंबरनाथ के ACP सुनील पाटिल का कहना है कि इस मामले में नागपाड़ा पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक विशाख नेविस करके 17 साल की उम्र का बच्चा है, लड़का था, जो 27 नवंबर को चिंचपोकली में कैंसर की बीमारी से गुजर गया था। उसकी डेड बॉडी उनके पिता अक्टो विमोद जोसेफ, जो कि बिशप है जीजस ऑफ ऑल नेशन नागपाड़ा चर्च की, उन्होंने वो चर्च में रखी थी और उनके धर्म के अनुसार वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। जब नागपाड़ा पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इंटरवेंट करके इन लोगों को जल्द से जल्द अंत्यविधि करने के लिए उनको सलाह दी। तो 4 तारीख को वहां से निकल के रात को 5 तारीख को ये लोग अंबरनाथ में जीसस ऑफ ऑल नेशन अंबरनाथ का एक चर्च है वहां पे आए हुए थे। वहां भी उनकी प्रार्थनाएं चल रही थी। जब ये जानकारी अंबरनाथ पुलिस स्टेशन को मिली तो अंबरनाथ पुलिस स्टेशन ने इंटरवेंट करके उन लोगों को समझाया कि तुरंत इसमें उसका अंत्य संस्कार किया जाए। अंबरनाथ नगर परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा था और उनको भी बुलाया था और उनकी भी मदद ली गई थी। बाद में रात को ये लोग जहां से डेड बॉडी लेके आए थे वहीं पे अंत्य संस्कार के लिए लेके गए हैं। संबंधित पुलिस स्टेशन को भी हमने ये सारी जानकारी दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी लोग अंधविश्वास के जाल में किस कदर जकड़े हैं कि एक कैंसर पीड़ित युवक के मरने के बाद भी उसे जिंदा करने के लिए उसके शव को 10 दिन तक रखकर प्रार्थना की जाती है। प्रभात दास, इन24 न्यूज़, अंबरनाथ।